हेलो फ्रेंड्स, आई एम तनीषा गंगराडे एंड यू आर वाचिंग टीजी एग्री। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन के बारे में। सो फ्रेंड्स, आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है, फिर हम बात करेंगे कि इतनी इसकी सिग्निफिकेंस क्यों है, है ना। फिर हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, फिर हम बात करेंगे कि इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे रेंज के बारे में, क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में एंड मीन डेविएशन के बारे में। तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। मेजर ऑफ डिस्पर्शन अगर हम नाम से समझने की कोशिश करते हैं कि नाम में इसकी क्या डेफिनेशन है, तो डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है? डिस्पर्शन का मतलब होता है स्प्रेड, कि कोई भी चीज़ कितनी स्प्रेड है, कितनी फैली हुई है। जब हम उसे मेजर करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अब क्यों मेजर ऑफ डिस्पर्शन की ज़रूरत पड़ी? हमने पहले चैप्टर में जब मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ा था, तो वही इनफ क्यों है, वही इनफ क्यों नहीं है, वाई हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं? तो देखिए, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में हमने क्या पढ़ा था? सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब है? जब कोई एक सिंगल नंबर पूरे सेट को डिस्कस कर दे या पूरे सेट को डिस्क्राइब कर दे, आपके पूरे डेटा का सेट है, उसमें एक किसी सिंगल नंबर नहीं है, आपके पूरे डेटा को डिस्क्राइब कर दिया, तो उसे हम क्या कहेंगे? सेंट्रल टेंडेंसी कहेंगे, ठीक है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि देखिए, हमारे पास तीन नंबर है, 2, 4, 9। अब आपने इसका मीन निकाला, तो आप मीन कितना आएगा इसका? 5, ठीक है। तो आपके पास इसका मीन क्या आया? 5। अब हम यहाँ बात कर रहे हैं कि इस सेंट्रल वैल्यू, आपके पास ये एक एवरेज आया ना, तो अब इस सेंट्रल वैल्यू से ये आपकी वैल्यूज कितनी डिस्पर्स है, है ना। देखिए, अब जैसे यहाँ पे वेरी कर रहा है ना ये, तो उसे हम कहेंगे डिस्पर्स होना, सेंट्रल वैल्यू से डिस्पर्स होना ही क्या होता है? मेजर ऑफ डिस्पर्शन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ गेटिंग डिस्पर्स्ड और स्प्रेड, कि वो कितना अपनी सेंट्रल वैल्यू से, एवरेज वैल्यू से डिस्पर्स है, ठीक है। नेक्स्ट है, द एक्सटेंट टू विच न्यूमेरिकल डेटा इज लाइकली टू वेरी अबाउट एन एवरेज वैल्यू, जो मैंने अभी आपको बताया कि वो कितना वेरी करता है। इट हेल्प्स अंडरस्टैंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, कि आपको ये बताता है कि ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है। चलिए हम आगे एग्जाम्पल में देखते हैं। देखिए, आपके पास 5 सीरीज है, सीरीज ए, बी, सी और डी, ठीक है। अब जब आप इन सभी सीरीज का मीन निकालेंगे, तो इन सभी सीरीज का मीन कितना आएगा आपके पास? 9 आएगा, ठीक है। पर अब इसमें आप वेरिएशंस देखिए कि इसमें कितने ज़्यादा ज़्यादा अलग, जब हम सीरीज सभी पांचों सीरीज को कंपेयर करेंगे तो इसमें वेरिएशन कितना है। तो देखिए, सीरीज़ ए में क्या है, सारी वैल्यू सेम है, ठीक है। सीरीज़ बी में क्या है, ये वेरी करा है। सीरीज सी में क्या है, ये वेरी करा है, पर ये जो लास्ट की वैल्यू है वो 9 से कुछ ज़्यादा ही डिस्पर्स है, मतलब अपनी सेंट्रल वैल्यू से ज़्यादा डिस्पर्स है। और जब हम सीरीज डी में देख रहे हैं, तो यहाँ पे तो हमारे पास 2 ही वैल्यू है जो हमारे मीन से क्या कर रही है, डिस्पर्स कर रही है, और वो भी बहुत ही ज़्यादा क्या कर रही है, वेरी कर रही है। तो अब हमें ये जानना होता है कि भाई हमारे पास जो डेटा है वो हमारे मीन से कितना वेरी कर रहा है, और जब हम इस वेरिएशन को पढ़ने की ज़रूरत है और हमें इसको समझना पड़ता है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो अब आई होप आपको इसका सिग्निफिकेंस समझ में आया होगा कि ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते इस 9 के बेसिस पे आप इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते, है ना, कि ज़रूरी नहीं। अब देखिए, यहाँ पे अलग अलग हो गया ना, कि भाई सभी का मीन तो एक ही है, है ना, मीन क्या है 9, पर सबकी वैल्यूज़ और सबकी जो डेटा है वो कितना वेरिएबल है, इस वजह से मेजर ऑफ डिस्पर्शन पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। देखिए, अब इसमें क्या लिखा है भाई, आपके पास एक सेंट्रल पॉइंट है, या जिसको हम बोलेंगे सेंट्रल वैल्यू है। तो सेंट्रल वैल्यू में आप ये देखिए कि यहाँ पे आपको उसने 3 पॉइंट से करा है, ए, बी और सी। तो देखिए, ये जो सेंट्रल वैल्यू से कम डिस्पर्स्ड है, फिर जो बी वाला है वो और उससे थोड़ा ज़्यादा है, और जो सी वाला है वो क्या है, सबसे ज़्यादा सेंट्रल वैल्यू से डिस्पर्स है। तो अगर आप बोल रहे हो कि अगर डिस्पर्शन ज़्यादा होता है, है ना, अगर डिस्पर्शन ज़्यादा है तो स्टेबिलिटी कैसी होगी, फिर उसकी स्टेबिलिटी कम होती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया कि डिस्पर्शन पढ़ना क्यों जरूरी हो रही है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्पर्शन, कि
क्या क्या इसकी सिग्निफिकेंस है और क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो सबसे पहला आता है टू डिटरमाइन द रिलायबिलिटी ऑफ एन एवरेज, एवरेज की रिलायबिलिटी हम इससे जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टू सर्व एज अ बेसिस फॉर द कंट्रोल ऑफ वेरिएबिलिटी। देखिए अभी हमने वेरिएबिलिटी देखी थी, तो हम डिस्पर्जन से ये जान सकते हैं कि ये जो वेरिएबिलिटी अलग अलग आई है वो आई कैसे हैं, ठीक है। और अगर वो वेरिएबिलिटी आ गई है तो अब हमें उसे कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है। अभी हमने देखी थी ना सीरीज अलग अलग की, कहीं कहीं 9 है, फिर लास्ट में तो हमने देखा था 15 और 3 है। तो भाई जब इतनी वेरिएबिलिटी आई है सीरीज में तो ये वेरिएबिलिटी आई कैसे है, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही होना चाहिए। और चलो अब आ गई तो इसे कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट है टू कंपेयर टू और मोर सीरीज विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबिलिटी। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, अभी हमने यहाँ पे कंपेयर करा ना अलग अलग सीरीज को। तो जब आपको अलग अलग सीरीज को कंपेयर करना है, उसको देखना है, समझना है, तो आपको किसकी ज़रूरत है, तो आपको मेजर ऑफ डिस्पर्जन पढ़ने की नीड होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, जब हम इसका जो अलग नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है टू फैसिलिटेट यूज़ ऑफ अदर स्टेटिस्टिकल मेजर, मतलब मेजर ऑफ डिस्पर्जन के थ्रू हम अदर स्टेटिस्टिकल मेजर्स भी निकाल सकते हैं, जैसे कोरिलेशन एनालिसिस कर सकते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग कर सकते हैं, स्टेटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल एंड वाइब्रेशन एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये अभी हमने किसकी बात करी, सिग्निफिकेंस ऑफ डिस्पर्जन की, क्योंकि वो कितना ज़्यादा सिग्निफिकेंस है ना। चलिए अब आगे बात करते हैं मेजर ऑफ डिस्पर्जन, या अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन। जब हम टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन की बात करते हैं तो यहाँ पे दो आता है, एक एब्सोल्यूट मेजर आता है और एक रिलेटिव मेजर आता है। एब्सोल्यूट मेजर में क्या क्या है आपके पास, रेंज, वेरियंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन। वहीं पे जब हम रिलेटिव मेजर की बात करते हैं तो रिलेटिव मेजर का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन, ठीक है। तो अब ये रिलेटिव मेजर क्या है और एब्सोल्यूट मेजर क्या होता है। देखिए जब हम एब्सोल्यूट मेजर की बात होती है तो एब्सोल्यूट मतलब यहाँ पे सेम यूनिट वाली बात आ जाती है ना, कि भाई आप मेजर कर रहे हो तो उनकी यूनिट सेम होना चाहिए। फिर अगर आप कंपेयर कर रहे हो तो उसे हम क्या कहेंगे, एब्सोल्यूट मेजर कहेंगे। आप उसको किस में कर रहे हो, आप उसको एब्सोल्यूट मेजर करोगे। मतलब कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप रेंज ले रहे हो, रेंज का हम जानते हैं क्या होता है, हाईएस्ट से हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, है ना। तो अगर ये सेंटीमीटर में है तो ये भी क्या होना चाहिए, सेंटीमीटर में। मतलब क्या होना चाहिए, यूनिट अगर सेम है तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट मेजर। अब नेक्स्ट आता है रिलेटिव मेजर। अब यहाँ पर रिलेटिव मेजर का क्या मतलब होता है, देखिए जब हम रिलेटिव मेजर की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या बताया कि यहाँ पर यूनिट कैसी होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। वो कुछ भी हो सकता है, ग्राम हो, सेंटीमीटर हो, मीटर हो, हेक्टेयर हो, भाई सेम यूनिट में ही यहाँ पे काम चलेगा। पर रिलेटिव मेजर में हमें यूनिट की हम बात नहीं कर सकते या बात नहीं करते। इट मीन्स कि आप इसमें डिफरेंट यूनिट के जो आइटम्स है या डिफरेंट यूनिट के जो डेटास है उसको भी आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। अब ऑब्वियसली अगर आपको दो डिफरेंट यूनिट के डेटा को कंपेयर करना है तो आप उसको किसके थ्रू करोगे, तो फिर आप उसको रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन के थ्रू कंपेयर करते हो, ठीक है, जिसे हम कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन भी कहते हैं। इस टाइप के मेजर को क्या कहोगे, इस टाइप के मेजर को आप कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन भी कहते हैं। अब जो हमारे कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन का फॉर्मूला होता है, मेजर ऑफ डिस्पर्शन अपॉन में रिलेटेड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब जैसे हम बात करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस की, तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में अर्थमेटिक मीन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ आपका, मेजर ऑफ डेविएशन क्या हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन, रिलेटेड मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या हुए, अर्थमेटिक मीन। तो आपको समझ में आया कि आपको मेजर ऑफ रिलेटिव मेजर के फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि रिलेटिव मेजर में हम किसको का रेशियो लेते हैं, मेजर ऑफ डिस्पर्शन का अपॉन में रिलेटिव मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बारे में, ठीक है।
तो ये क्या होता है, ये होता है मेजर ऑफ टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्शन, जिसमें हमने दो चीज़ देखी, एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे रेंज के बारे में, मीन डेविएशन के बारे में एंड क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरियंस को एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो चलिए देखते हैं। अब नेक्स्ट है कि हम बात कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्पर्शन, ठीक है। अब ऐसी क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए, जैसे कि आप स्टडी करोगे रेंज को, क्वार्टाइल डेविएशन को, स्टैंडर्ड डेविएशन को, ठीक है। तो उसमें सबसे बेस्ट कौन सा होता है, बेस्ट टू स्टडी क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। और अगर आपसे पूछे कि सबसे सिंपलेस्ट कौन सा होता है ना, तो सिंपलेस्ट कौन सा होता है, वो होती है रेंज, ठीक है। अब तो ऐसी क्या क्या हमारी जो मेजर ऑफ डिस्पर्शन है उसमें ऐसी क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो वो सिंपल टू अंडरस्टैंड कि भैया अच्छे से और इजीली हमें समझ में आए, ज़्यादा हमें माथा मारना ना पड़े। फिर वो होता है उसमें इजी टू कैलकुलेट कि हम उसे इजीली कैलकुलेट कर पाए, वो रिजिडली डिफाइंड होना चाहिए। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वो ईच एंड एवरी आइटम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ एक या दो या तीन या चार पे बेस्ड, मतलब जितने भी उसमें आइटम है सबके ऊपर वो बेस्ड होना चाहिए। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिव टू फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, आगे जब आप इसको सॉल्व करो या आगे आप जब इसको अलजेब्रिक ट्रीटमेंट लगाओ तो उसमें उसका रिस्पॉन्स होना चाहिए। नेक्स्ट है सैम्पलिंग स्टेबिलिटी, और लास्ट है नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। देखिए ये सेंट्रल टेंडेंसी में जब हमने मीन की बात करी थी, जो मीन होता है वो एक्सट्रीम वैल्यूज पे बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, अफेक्टेड होता है, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यू से ये बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड होता है। पर वहीं पे जब हम डिस्पर्शन की बात करते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी भी यही है कि ये एक्सट्रीम वैल्यू से ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है जब मीन एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड होता है ना, तो वो चेंज कर देता है चीज़ों को, ठीक है। तो ये इसके मेन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। चलिए अब आगे हम किसको बात करने वाले हैं, आगे हम बात करने वाले हैं रेंज के बारे में कि रेंज क्या होता है। तो देखिए अगर हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज सबसे सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन होता है, ठीक है। क्या होता है, रेंज इज़ द सिंपलेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड लोवेस्ट टर्म ऑफ सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशन। रेंज का फॉर्मूला होता है XH - XL। XH क्या है यहाँ पे, हाइएस्ट वेरिएट वैल्यू माइनस लोवेस्ट वेरिएट वैल्यू, मतलब जो हाइएस्ट और लोवेस्ट में क्या डिफरेंस है ना, उनके डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, उनके डिफरेंस को हम कहते हैं रेंज, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन प्रैक्टिस वेरी हाई एंड वेरी लो वैल्यूज आर वेरी इनफ्रीक्वेंट, बट इफ दे अपीयर द रेंज इज अफेक्टेड डिसप्रोपोर्शनली। ऑब्वियसली कि देखिए अगर हम प्रैक्टिकल में बात करें या प्रैक्टिस लाइफ में बात करें, तो जो वेरी हाई और वेरी लो वैल्यूज है वो बहुत ही चेंज होती रहती है, ठीक है, जिसकी वजह से रेंज भी क्या होगी, अफेक्टेड होगी। नेक्स्ट है, इट इज़ अफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन ऑफ सैम्पलिंग एंड इट्स कम्प्लीटली अनरिलेटेड विथ एनी टाइप ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट कैन नॉट टेल अबाउट कैरेक्टर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ऑब्वियसली जब आप हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ है उसे तो बता नहीं पाएगा, है ना। वो तो सिर्फ आपको क्या बता रहा है, हाईएस्ट और लोवेस्ट के बीच में डिफरेंस बता रहा है। नेक्स्ट इज, इट कैन नॉट बी कंप्यूटेड इन ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, ये ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। सपोज कि ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मतलब है कि आप एक फर्म में गए हैं या आप एक किस बोल रहे हैं कि आपके आपको सैलरी है, आपके पे सैलरी, जब हम इनकम की बात करते हैं तो इनकम कितनी है, इनकम की आप बात करते हैं ना, तो भाई 40,000 से कम है, 40,000 से 80,000 है ना, 40K to 80K, है ना, 80K to 60K, और या फिर 60K से ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये कितनी भी हो सकती है, 60K बाद वो लाख भी हो सकती है, करोड़ भी हो सकती है, या फिर वो 61,000 भी हो सकती है। तो आप यहाँ पे नहीं बता सकते ना, क्योंकि आपको ना इसका इसका हाईएस्ट तो बिल्कुल भी पता नहीं है, तो फिर आप इसके बीच में डिफरेंस नहीं बता सकते। सो इट कैन नॉट बी कंप्यूटेड इन ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट,
नॉट बेस्ड ऑन ईच एंड एवरी आइटम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। यही बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि ये सभी आइटम्स पर बेस्ड नहीं है। और जब हम प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे तो प्रॉपर्टी में हमने ये चीज़ें देखी थी, क्या होना चाहिए कि भाई वो सभी आइटम पे क्या होना चाहिए, बेस्ड होना चाहिए, वो फ्लक्चुएट नहीं करना चाहिए, है ना। तो आप जब प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे रेंज में ये मेरिट से, ये डीमेरिट से, और ये डीमेरिट से इसकी वजह से ये ज़्यादा अप्लाई नहीं होता। अब ओनली मेरिट, अब इसकी क्या क्या मेरिट है कि वो सिंपल है ना, माइनर, इजी टू अंडरस्टैंड है, क्विकली कैलकुलेट है, कोई भी इजीली आपको बोल देगा कि ये हाईएस्ट वैल्यू है, ये लोवेस्ट वैल्यू है, तो आप इजीली उसका रेंज निकाल पाओगे कि ये किस रेंज के बीच में आता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रेंज क्या होता है। अब हम बात करने वाले हैं मीन डेविएशन के बारे में। मीन डेविएशन का क्या मतलब होता है? देखिए, मीन डेविएशन कि भाई कोई भी वैल्यू उसके मीन से कितना डेविएट हुई है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहेंगे मीन डेविएशन। ठीक है, अब हम देखेंगे कि अलग अलग क्या फॉर्मूले हैं। तो इंडिविजुअल सीरीज़ के लिए इसका फॉर्मूला होता है मीन डेविएशन इज इक्वल्स टू सिग्मा मॉडुलस अपॉन में एन। ठीक है, जब हम डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ की बात करते हैं तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस सीरीज़ में हमारे पास क्या आती है, फ्रीक्वेंसी भी आती है, तो सिग्मा एफ मॉडुलस अपॉन में एन। अब यहाँ पे डी क्या है, ये जो मैं डी की बात कर रही हूँ वो क्या होता है, तो जो डी होता है वो हमारा होता है एक्स माइनस ए। एक्स क्या है हमारा, ऑब्जर्वेशन, और ए क्या है हमारी, आर्बिट्री वैल्यू। तो उस इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं, हम हमारा मीन डेविएशन निकाल पाते हैं। बट अब बात आती है कि इसके भी कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स होते हैं। तो जब हम मीन डेविएशन के मेरिट्स की बात करते हैं तो मीन डेविएशन का सबसे पहला मेरिट होता है कि ये कैसा होता है, रिजिडली डिफाइंड होता है। ठीक है, ये रिजिडली डिफाइंड होता है। सेकंड हम बात करते हैं कि ये भी सभी ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड होता है, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशंस। नेक्स्ट, इट इज़ ईजी टू कैलकुलेट। ठीक है, कि ये भी कैसा है, कैलकुलेशन में इजी है, कुछ फॉर्मूला नहीं है, सिग्मा मॉड्यूलस अपॉन में एस। डी क्या है, एक्स माइनस ए क्या है, अपनी आर्बिट्री वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये भी हमने देखा है कि ये भी जो है एक्सट्रीम वैल्यू से कभी भी अफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये हमने इसके चार मेरिट्स देखे। बट अब इसके डीमेरिट्स क्या है ना, तो जब हम इसके डीमेरिट्स की बात करते हैं तो इसका फर्स्ट डीमेरिट होता है इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, आगे इसके मैथमेटिकल ट्रीटमेंट के लिए ये सूटेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है इट इग्नोर्स द साइन ऑफ डेविएशन, साइन ऑफ डेविएशन। अब कैसे साइन ऑफ डेविएशन को करेगा, क्योंकि हम इसको किस में रख रहे हैं, मॉड्यूलस में, और मॉड्यूलस से कोई भी चीज़ बाहर आती है तो ऑब्वियसली अगर वो माइनस में भी होगी तो काय में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में। तो साइन ऑफ डेविएशन को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है। ठीक है, तो इसके ये दो मेजर क्या होते हैं, ड्रॉबैक होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये हमने किसकी बात करी, मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का हमने क्या समझा कि मीन डेविएशन क्या होता है, जब वैल्यू मीन से डेविएट हो रही है, कितना डेविएट हो रही है, तो उसे हम कहते हैं मीन डेविएशन। ठीक है, अब हम किसके बारे में बात करेंगे, अब हम बात करने वाले हैं क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में। अब क्वार्टाइल डेविएशन का क्या मतलब है, तो क्वार्टाइल मतलब कि यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, क्वार्टर। क्वार्टर का क्या मतलब है, किसी भी आइटम को चार इक्वली पार्ट में जब हम डिवाइड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वार्टर कहते हैं। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर हमें किसी भी क्वार्टाइल को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास एक सेट है, वैल्यू है, अब इसको हमें चार इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है तो हम क्या करेंगे, अब हम इसमें कट लगाएंगे। ठीक है, कितने, Q1, एक, तीन कट लगाएंगे, है ना। तो अभी हमारे पास चार पार्ट में डिवाइड हो गया, ये क्या है, Q1, सॉरी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, है ना, हो गया अपना। तो ये जो फर्स्ट कट है उसे हमने क्या बोला, Q1, सेकेंड कट को हमने क्या बोला, Q2, और थर्ड कट को हमने क्या बोला, Q3। तो मतलब किसी भी सेट को, डेटा को जब हमने चार पार्ट में डिवाइड किया तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वार्टर कहते हैं, है ना।
अब हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, क्वार्टाइल डेविएशन की। तो क्वार्टाइल डेविएशन का मतलब होता है, इट मींस क्वार्टाइल एक दूसरे से कितने डेविएट कर रहे हैं, है ना। मतलब ये जो क्वार्टाइल है एक दूसरे से कितना ज़्यादा डेविएशन है, तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वार्टाइल डेविएशन कहते हैं। अब यहाँ पे एक और हमारे पास टर्म आती है, वो आती है इंटर क्वार्टाइल रेंज। ठीक है, इंटर क्वार्टाइल रेंज का मतलब होता है इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ टू क्वार्टाइल। क्या हुआ, इंटर क्वार्टाइल नाम से समझ में आ रहा है कि भाई इन दोनों के बीच में, इंटर मतलब बीच में, तो भाई दो क्वार्टाइल के बीच का जो डिफरेंस है तो उसे हम क्या कहेंगे, इंटर क्वार्टाइल कहेंगे। अब यहाँ पे क्या है, क्यू थ्री माइनस क्यू वन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्यू थ्री माइनस क्यू वन, ये क्या होगा, हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे क्या देखते हैं। अब हम देखेंगे कि भाई जब आप, ये हमने क्या देखा, इंटर क्वार्टाइल रेंज, है ना, क्या देखा हमने, इंटर क्वार्टाइल रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू थ्री माइनस क्यू वन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और जब हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा क्वार्टाइल डेविएशन का, तो क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है क्यू थ्री माइनस क्यू वन अपॉन में टू। और जब हम कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है क्यू थ्री माइनस क्यू वन अपॉन में क्यू थ्री प्लस क्यू वन। ठीक है, ये किसका फॉर्मूले की बात की हमने, ये हमने बात करी क्वार्टाइल डेविएशन के बारे में। ठीक है, चलिए अब हम क्या देखेंगे, इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स, कि अगर ये एप्लीकेबल है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो जब हम इसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स की बात करते हैं तो इसका जो सबसे पहला मेरिट है वो यही होता है कि ये भी कैसा है, रिजिडली डिफाइन होता है, ये भी कैसा है, रिजिडली डिफाइन होता है। सेकंड कैसा है, ये इजी टू कैलकुलेट, है ना, कि आप इसको भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। और थर्ड ये है कि ये भी एक्सट्रीम वैल्यूज से अफेक्ट नहीं होता, नॉट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, बट अब इसके डीमेरिट्स क्या हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, है ना। तो इसका सबसे पहला है कि ये सभी ऑब्जर्वेशंस पर बेस्ड नहीं हुआ, सॉरी इट इज नॉट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, है ना, आपकी जितनी ऑब्जर्वेशन है ये सब पे बेस्ड नहीं होगा। सेकेंड क्या है, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, कि आप इसका आगे फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट, इट इज़ सेंसिटिव टू फ्लक्चुएशन इन सैम्पलिंग, ये किससे फ्लक्चुएट होता है, सैम्पलिंग से, बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएशन इसमें होता है। ठीक है, तो ये आज हमने किसकी बात करी, ये आज हमने करी मेजर ऑफ डिस्पर्शन के बारे में। तो आई होप आपको अच्छा समझ में आ गया होगा कि ये क्यों होता है, फिर इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, इसके क्या टाइप्स है, है ना। टाइप्स में आज हमने तीन टाइप के बारे में डिस्कस किया, आज हमने रेंज को देखा, क्वार्टाइल डेविएशन को देखा और मीन डेविएशन को देखा। ठीक है, इसके बाद हमने बात करी कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और फिर हमने देखा कि टाइप्स में हमने ये भी देखा कि एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है और रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है। ठीक है, तो आज हमने इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस किया। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। फ्रेंड्स, अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप हमें YouTube पर कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही आप हमारे Instagram और Facebook पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। साथ ही आप हमारे WhatsApp ग्रुप और Telegram चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट भी है tgagri.com करके, जहाँ पर आपको एग्रीकल्चर के सभी PDF, सभी चीज़ बहुत ही प्रॉपर मैनर में मिलेगी। तो आप एक बार वहाँ पर ज़रूर विजिट कीजिएगा। और साथ ही अगर आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसकी लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, पर उससे पहले स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।